वेलकम बैक टू माई चैनल इशारा एंड मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, जो कि मैं पहली बार करने जा रही हूँ। आज तक कि मैंने अपने चैनल पे इस टाइप का वीडियो शेयर नहीं किया है। और ज्वेलरी में बेसिक मेरे पास इयररिंग्स ही हैं और इक्का दुक्का कहीं आपको नेकलेस सेट एंड रिंग्स मिल जाएंगी, और ज़्यादातर मेरे पास इयररिंग्स ही हैं। और YouTube में आने से पहले सीरियसली मुझे इयररिंग्स का शौक बहुत पहले से था, बट कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैरी करूं, क्योंकि गोल्ड के ही इयररिंग्स पहनी रहती थी मैं, और वही कहीं पार्टी फंक्शन में जाना होता था तो गोल्ड का ही मैं चेंज कर लेती थी, तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं, अब जब आपको पहनना नहीं है तो खरीदते भी नहीं थे, मन मार के रह जाते थे यार इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी देख के, बट पहन ही नहीं सकते हैं। मतलब ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं थी मेरे घर में, बट मौका ही नहीं मिलता था कि आर्टिफिशियल मैं पहनूं। बट जब मैं यूट्यूब में मैंने स्टार्ट किया तो आई हैव टू कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, और उसके साथ मुझे इयररिंग्स और ये सब भी कैरी करनी होती थी, तो वो थोड़ा मैं लेती चली गई। और थोड़ा बहुत जो कलेक्शन है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो। और आप कर दीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप कर सकते हो। एक बात और मैं बताना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि मेरी ज़्यादातर जो ज्वेलरी है वो मैंने लोकल स्टोर से ही खरीदी है। मैंने ऑनलाइन थोड़ी बहुत ही है जो है वो मैं आपको बता दूंगी, और अगर उसका लिंक मिल पाया तो मैं दे पाऊंगी, क्योंकि बहुत पहले की ही ली हुई है मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कि मैंने ऑनलाइन ली है। ज़्यादातर मैं रोड साइड शॉपिंग करती हूँ तो मैं यही लोकल स्टोर से ले लेती हूँ। बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज और बहुत ही बजट फ्रेंडली रहती है डियर। बहुत सारी ज्वेलरीज आपने देखी होगी मुझे पहने हुए, 99% आपने ज्वेलरी देखी होगी मुझे पहने हुए, और कुछ जो शायद नहीं देखी हो तो आप मेरे अपकमिंग वीडियोस में देख लेना। एंड चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एज आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं पहना हुआ, इसीलिए क्योंकि मुझे सबसे पहले जो मुझे आपको दिखाना था वो मेरे पास इस टाइप की इयररिंग्स है जो मैंने ली थी आज से 1.5 साल पहले। कुछ इस टाइप की है जो आप देख सकते हो, बहुत चलती थी ये, हैंगिंग आप कह लो, हैंगिंग इयररिंग्स बोलते हैं इसको। और यहाँ पे बॉल इस टाइप से बॉल होता है, और आपको ऐसे निकालना होता है और आपको अपने कान में डालना होता है, और इस टाइप से आपको इसको बंद कर देना होता है। इसमें कोई भी पेच और किसी चीज़ का आपको टेंशन नहीं रहता है। मुझे ये इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये आप किसी भी आउटफिट नहीं, नॉट अ ट्रेडिशनल आउटफिट, आप किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती है। आप किसी भी गाउन के साथ इसको कैरी कर सकते हो, और इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़। यस डियर, इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़, और ये जैसी की तैसी है, जैसे मैंने लिया था आज से 1.5 साल पहले वैसी की वैसी ही है। एंड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी है। मैं आपको इसको अभी पहन के भी दिखाऊंगी, एंड ये कुछ इस टाइप से है। सो डियर, जैसे आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का लुक आता है इसका, और ये सबके साथ बहुत अच्छे से जाती है डियर, और बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती है। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि इतनी सस्ती और इतनी अच्छी इयररिंग्स आपको मिल जाए तब तो कहने ही क्या है। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि मेरे जो कान का जो छेद है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, बहुत मोटी तली नहीं आ पाती है, और मेरे कान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, तो ये जिनके कान बहुत कान के छेद बहुत छोटे हैं उनके उस कान में भी ये बहुत इजीली जाती है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे आप देख सकते हो ये, और बहुत ही लाइट वेट है। एंड जस्ट यू कैन सी, तो मैंने सबसे सस्ती वाली इयररिंग्स से अपनी स्टार्टिंग की है। नाउ मैं अपने जो इयररिंग्स का कलेक्शन वो इस टाइप के पाउच में रखती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो
क्योंकि मेरे पास इतनी सारी इयरिंग्स नहीं है कि मैं एक बॉक्स रखूँ. बॉक्स को मैं लेने की सोच रही हूँ बट ऑनेस्टली मैं जा नहीं पाती हूँ और इधर आए थोड़ा सा बिजी थी. अब चूंकि मेरे पास थोड़ा सा कलेक्शन हो गया है, पहले तो इसी में यू नो इक्के दुक्के चार पांच रहते थे, अब थोड़ा सा कलेक्शन हो गया है तो अब कलेक्शन हो गया है तो उसको रखने के लिए, इसके स्टोरेज के लिए भी मुझे लेना पड़ेगा. मैं जल्द ले लूँगी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो इस टाइप से मैं उसमें यू नो रखती हूँ. और थोड़ा सा मेरे पास यू नो ये बॉक्सेस है जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था. ये वाला एक ये है एंड ये भी मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा था. तो ये पूरा स्टाइप से सेट है. तो चलिए बारी बारी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से इयररिंग्स हैं. तो मैंने सारे इयररिंग्स पलट लिए हैं. तो सबसे पहले मेरे हाथ में आता है इस टाइप का ये हुप इयररिंग्स. जैसे आपने देखा, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने देखे हैं और ये मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ये पसंद भी है. और ये हुप इयररिंग्स है और ये आप किसी भी यू नो टी शर्ट के साथ कैरी कर सकते हो. आप ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, बहुत ही अच्छा और क्लासी लुक देता है ये हुप इयररिंग्स. एंड इसमें बड़े भी आते हैं, इससे छोटे भी आते हैं, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हो. और ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था ओनली 50 रुपीज का. ये हो गया. नेक्स्ट मैंने ली थी ये ये भी आपने देखी है मेरे कई वीडियोस में, आपने इसको मेरे देखा कई नहीं, मेरे ख्याल से एक वीडियो में देखा होगा. मैंने इसको पहना हुआ है, कैरी किया हुआ है. और ये है एक मिनट दूसरी आगे ये है ये टेजल इयररिंग्स. और ये भी मुझे 50 रुपीज़ में मिली थी. और इसमें ये ट्रेजल है जो कि मल्टी कलर के हैं. और ये भी हुप इयररिंग्स है, आप फटाक से इसको आप अपने कान में डाल लो. और ये भी यू नो वेस्टर्न आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से जाता है. और चूंकि इसमें मल्टी कलर है तो उसमें कलर की भी कोई झंझट नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कलर के साथ आपको कैरी करना है. आप जैसे मैंने ये ब्लू कुर्ती डाली है तो ये इसके साथ भी यू नो बहुत अच्छे से जा रहा है. जस्ट यू कैन सी तो दिस इज सेकेंड वन. एंड थर्ड वन मेरे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है जो कि मैंने शायद कैरी की है किसी वीडियो में, मुझे याद नहीं आ रहा है. ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है जो कि प्लस मेरा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है इस टाइप से. जैसे कैन सी इसमें मिरर भी है और नीचे छोटी सी झुमकी दी हुई है. और ये यू नो बहुत ही अच्छा, जिनका फेस थोड़ा सा बड़ा है उनके ऊपर, जैसे मेरा फेस बड़ा है उनके ऊपर ये इयररिंग्स बहुत अच्छी लगेगी. जिनका फेस थोड़ा छोटा है उनके ऊपर ये शायद ज़्यादा लाउड लगे या थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगे. बट जिनका फेस थोड़ा बड़ा होता है ना उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनके ऊपर सारे इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो ये इस टाइप से. और ये भी मुझे अराउंड 100 रुपीज़ की पड़ी थी. यस इट इज़ ऑल्सो 100 रुपीज़. और यही मैंने ऑनलाइन देखी थी, आई थिंक दैट मैंने अमेजोन में देखी थी, वहाँ पे 250 एंड 300 की बता रहा था. तो प्लीज़ मैं सबसे ये मेरा सजेशन रहता है कि आप जिस शहर में रहते होगे कोई ना कोई ऐसा वहाँ पे होती है जगह जहाँ पे आपको लोकल मार्केट होती है, जहाँ पे आपको ज्वेलरी कलेक्शन अच्छे दामों पे मिल जाता है. हाँ, जो यूनिक ज्वेलरीज होती हैं जैसे क्लब फैक्ट्री में यूनिक इयररिंग्स होती हैं, मैं उसका भी वीडियो बहुत जल्द शेयर करूंगी क्योंकि मुझे क्लब फैक्ट्री से बहुत सारे इयररिंग्स मंगाने हैं. जब मैं मंगाऊंगी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी. आप कमेंट सेशन में बताना आपको देखना है कि नहीं. अगर आप बोलोगे तो मैं मंगाऊंगी और मैं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे क्लब फैक्ट्री के इयररिंग्स सच में बहुत अच्छे लगते हैं. मेरे पास खाली आई थिंक दैट एक पीस ही है तो मुझे मंगाना है. मैंने एक पीस मंगाया था फॉर अ ट्रायल कि पता नहीं कैसा आए कैसा ना आए, बट मुझे बहुत अच्छा वो रिसीव हुआ. तो आप पहले अपने लोकल मार्केट में देख लीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोकल मार्केट में और ऑनलाइन में काफ़ी डिफरेंस होता है. अगर ऑनलाइन आपको सस्ता मिले तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, लोकल मार्केट में सस्ता मिले आप वहाँ पर भी जा सकते हो. क्यों फालतू का पैसा खर्च करना उसी चीज़ पर. तो ये मेरा है सेकेंड वन, आप इसको कैरी कर सकते हो. और ये किसी भी सूट के साथ, कुर्ती के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है और बहुत अच्छा लगता है. बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब आपको ये नहीं लगे कान में कि आपके कान कटे जा रहे हैं, ये आपको नहीं लगेगा. एंड नेक्स्ट मैंने ली थी ये वाली जो कि मैंने अभी तक पहनी ही नहीं है. मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी इयररिंग, से भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी. और इस टाइप से ये लीफ बनी हुई है, जैसे आप देख सकते हो
ये लीफ बनी हुई है इसमें, इसमें नीचे ये हैंगिंग है और यहाँ पे लीफ का शेप है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये भी मैंने लोकल मार्केट से ये ली थी, ट्रस्ट मी, ये लोकल मार्केट मैंने जहाँ से ये ली थी, इतने अच्छे अच्छे इयररिंग्स, इतने ज़्यादा क्लासी, मैं क्या बताऊँ। और इसका रेट मुझे अभी तक याद है और इसका रेट 75 रुपीज़ है, मतलब अंडर 100 रुपीज़ की भी नहीं है, आप सोचो। बहुत अच्छी लगी मुझे ये इयररिंग्स एंड आप किसी न किसी वीडियो में मेरा मुझे पहने हुए देख लोगे। एंड नेक्स्ट आती है इस टाइप के इयररिंग्स, ये मैंने मिंत्रा से मंगाए थे, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मुझे अपने भाई की, जिस भाई का मैंने वीडियो शेयर किया था वेडिंग वाला, उसकी इंगेजमेंट थी तो उसकी तो मैंने नहीं कर पाई थी वीडियो शूट, तो गर्मियों में थी लास्ट ईयर, तो मैंने उस पर मैंने मेकअप लुक भी शेयर किया था, तो मैंने यही इयररिंग्स कैरी की हुई है। एंड ये मैंने मिंत्रा से मंगाई थी, गोल्ड प्लेटेड है एंड यू नो टॉप्स टाइप में है, नीचे आपको ये पर्ल मिल जाएगा और इसमें इसका जो वर्क है ना वो बहुत माइन्यूट वर्क है इसका, और लेकिन इतना ज़्यादा क्लीन वर्क है कि कोई भी यू नो खोचू पोचू जैसा नहीं कि सब एकदम मिक्स हो गया, और बहुत ही ज़्यादा क्लीन वर्क है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्लीन वर्क है। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है बहुत, यहाँ पे गोल्ड है और बीच में कॉपर पे है और ये भी पहनने पे बहुत अच्छा लगता है, ये आप किसी भी गोल्डन ब्लैक रेड ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जाएगा। सूट एंड साड़ी आप कैरी कर रहे हो या आप गाउन कैरी किए हो या फिर आप शरारा गरारा, अपकमिंग ईद है उस पर तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मुझे इसकी लिंक मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, बट एक साल पहले की ये पता नहीं मिलेगी कि नहीं, मिलेगी तो मैं ज़रूर दे दूँगी इसके लिए। एंड यस इट इज़ थोड़ा सा इसमें वेट है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा लाइट वेट, इसमें थोड़ा सा वेट है। एंड नेक्स्ट मेरे हाथ में आती है इस टाइप की झुमकी, जो कि अगेन यू नो ये है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इस यू नो पिरामिड शेप में झुमकी कमी देखने को मिलती है, इस टाइप से पिरामिड शेप की है, तो ये मुझे झुमकी बहुत अच्छी लगी और ये भी मुझे लोकल मार्केट से मिली और इसमें गोल्डन कॉपर है, गोल्डन कॉपर ये मेटल मेटल में आप कह लो मेटल की है एंड इस पर यू नो छोटे छोटे से यू अमेरिकन डायमंड कह लो या आप नग लगे हुए हैं इसमें, यहाँ पे यू नो गोल सा वो दिया हुआ है एंड ये पहनने पे बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे यू कैन सी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट से लगते ही नहीं कुछ है, आपने कुछ भी कैरी किया हुआ है अपने, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। एंड नेक्स्ट आती है मेरे पास इस टाइप की झुमकी है, ये भी ऑक्सीडाइज झुमकी है, हैंगिंग है एंड कुछ इस टाइप से है जैसे कि आप देख सकते हो, और इसमें तीन भी आते हैं जिसमें तीन स्टेप्स होते हैं, मेरे मैंने दो ही है तो मैंने दो स्टेप्स वाले लिए हैं, तीन वाले मुझे लगे कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाएंगे तो मैंने ये टू स्टेप्स वाले लिए, और ये भी अप्रॉक्स मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी थी और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, या आप किसी भी कुर्ती और ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ ही बहुत अच्छे से जाती है, शरारा गरारा एंड यू नो सूट के साथ बहुत अच्छे से जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि ऑक्सीडाइज है तो आपको कलर की कोई झंझट नहीं है कि ये कलर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, आप किसी भी कोई भी कलर की आपने कुर्ती कैरी की हो उसके साथ आप इसको कैरी कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लगोगे आप, ट्रस्ट मी। उसके बाद मैंने लोकल मार्केट से ही ली हुई थी ये इस टाइप से लंबी लंबी यू नो इस टाइप से इयररिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, इसमें यू नो इस टाइप के बीड्स लगे हुए हैं, ये गोल्डन बीड्स है, इसमें सिल्वर भी मिल रहा था बट मैंने गोल्ड चूज़ किया, मुझे गोल्ड चाहिए था और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से इसमें वेट है, मैं ये नहीं कहूँगी इट इज़ वेरी लाइट वेट, इसको थोड़ा सा वेट है। मैंने मेरे पास एक गाउन है तो मैंने उसके लिए इसको लिया था, शायद आपने देखा भी होगा मेरी नीस की जो मैंने वीडियो यू नो अपलोड की हुई है, तो मेरी नीस की मैंने पार्टी में मैंने गाउन कैरी किया हुआ है जो कि ग्रे कलर का है और उस पर मैंने ये इयररिंग्स कैरी की है एंड इट विल गो परफेक्ट विद दैट ड्रेस। एंड नेक्स्ट मेरे हाथ में आती है ये वाली इयररिंग्स, जो कि मैंने मुझे करना था एक
मेकअप लुक, इंस्पायर्ड मेकअप लुक जो कि माधुरी दीक्षित का था धमाल 2 का, बट मैं वो कर ही नहीं पाई। इयररिंग्स मैंने उसी को देख के मंगाई थी, ये फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और ये मुझे बड़ी कॉस्टली पड़ी थी डियर, ये मुझे 300 रुपीज की पड़ी थी और जिस लिए मैंने मंगाई थी मैं वो भी नहीं कर पाई, बट कोई नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये आपका किसी भी यू नो वेस्टर्न ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से जाएगी, आप शर्ट टी शर्ट्स एंड कुर्ती एंड ऑफिस गोइंग वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए बहुत ही अच्छी इयररिंग्स हैं और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है बट बहुत ही अच्छी है। इस टाइप की आपके पास होना ही होना चाहिए, इस टाइप का कलेक्शन आपके पास। नेक्स्ट मैंने ली थी इस, ये है जो बहुत बहुत, जब मैंने ली थी तो उस समय बहुत ज़्यादा यू नो ट्रेंड में थी, बट अभी भी मैं कैरी करती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। ये हुप इयररिंग्स प्लस झुमकी इस टाइप से, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी ओनली 80 रुपीज़ की और ये इस टाइप से है। आई थिंक दैट मैंने किसी वीडियो में शायद इसे पहना है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आप यू नो इसको साड़ी के साथ कैरी करो ना तो ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप हर साड़ी में थोड़ा बहुत गोल्डन वर्क होता ही होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस टाइप से झुमकी हुई है, यहाँ पे दो पर्ल दिए हुए हैं, इस टाइप से लटकन है एंड यू नो गोल्डन के उससे वर्क है, ये बहुत बहुत सुंदर लगती है। और आई थिंक दैट जिनका फेस छोटा है ना उनके ऊपर भी ये इस टाइप की इयररिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, तो आपके पास इस टाइप की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने ली थी वैसी ही झुमकी जो कि मैंने लहंगा पहना था तो मुझे उसके साथ कैरी करनी थी ये झुमकी, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ली हुई थी और ये थोड़ी सी इसमें वेट है, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा वेट है। अब आप कोई आपने इयररिंग्स पहनी जो बिल्कुल वेटलेस हो तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वेट है इसमें। और इसमें नीचे बीड्स लगे हुए हैं, ये मल्टी कलर के हैं इस टाइप से, इसमें एक कलर के भी बीड्स मिल रहे थे बट मैंने सोचा मैं एक कलर के बीड्स लेती हूँ तो वो मैं एक ड्रेस पे ही बंद के रह जाऊँगी, बट अगर मैं मल्टी कलर का लेती हूँ तो यू नो मैं चेंज कर करके इसको कैरी कर सकती हूँ एंड ये यू नो आराम से आपके सूट साड़ी कुर्ती किसी के साथ भी जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगने वाला है डियर, सच में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड आपने ट्रेडिशनल लुक किया उसके लिए तो बहुत अच्छा है, एंड अपकमिंग ईद है तो उसमें भी ये लड़कियां कैरी कर सकती हैं, बहुत गजब की लगेंगी। एंड नेक्स्ट मैंने लिया था, मैं आप खुद सोचो मैं लोकल मार्केट से मेरा कलेक्शन। नेक्स्ट मैंने लिया था इस टाइप से इयररिंग्स, से भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी और जब भी मैं ये इयररिंग्स कैरी करती हूँ डियर काफ़ी सारी तारीफें मैं बटोर लेती हूँ। ये है इस टाइप से इयररिंग्स है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था और ये मुझे 75 रुपीज़ की पड़ी थी, आप देख सकते हो इस टाइप से। इसमें मैंने वीडियो शेयर किया तो मैंने ये कैरी की हुई है, यहाँ पे आपको यू नो नगों का काम मिल जाएगा इस टाइप से, आप देख सकते हो इस टाइप से, और यहाँ पे आपको इस टाइप से डिटेलिंग दी हुई है। तो ये मतलब मुझे बिल्कुल अलग सी इयररिंग्स लगी और जब भी मैं इसको पहनती हूँ मुझे बहुत सारी तारीफें मिलती हैं, दैट यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल इयररिंग्स। और कोई लोचा नहीं है, हाँ आप साड़ी के साथ इसको कैरी कर सकते हो बट आप साड़ी के अलावा किसी भी चीज़ के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो, आप कुर्ती कुर्ता शरारा गरारा लॉन्ग स्कर्ट गाउन किसी के साथ ही आप इसे कैरी कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी डियर रॉक यू रॉक द पार्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अगर आपको इस टाइप का कहीं भी मिले यार कैप्चर कर लो यार तुरंत ले लो, कभी कभी होता है ना चीज़ें मिल जाती टाइम से फिर ये सोचो आप बाद में लूंगी लूंगी लूंगी, फिर वो मेरे साथ ही ज़्यादातर होता है, मैं सोचे छोड़ो यार छड़ यार छोड़ो मैं अगली बार ले लूँ तो अगली बार आता ही नहीं है। नेक्स्ट मैंने लिया था लोकल मार्केट से ही इस टाइप्स के यू नो इस टाइप के मैंने इयररिंग्स ली थी, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है बट जब मैंने इसको पहना था तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ने बहुत स्वीट स्वीट सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट्स किया था कि दैट यू हैव अ वेरी नाइस इयररिंग्स एंड ऑल दिस, और ये पता मुझे कितने कम लाई ओनली 50 रुपीज़, क्योंकि मैं बहुत यू नो चीप एंड बेस्ट वाली लेडी हूँ कि मुझे सस्ता और टिकाऊ सामान ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने ये वाली ली हुई थी। और आप बताओ यार कहाँ से लग रहा है यार 50 रुपीज़, आप दाम देख के
यू नो इट हैज, अगर मैं कहूँगी 200 rupees तब आपका वाओ, तो उस टाइप से नहीं है. बट अगर मैं कहती हूँ या इट इज 50 rupees तब भी वाओ एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि 50 rupees में भी आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है. तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डील. तो मैंने इसको कैरी किया हुआ था मैंने एक मेकअप लुक पे, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एंड सॉरी अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, सो प्लीज़ दी सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना.